हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट चैनल में आप सभी को अभिषेक सरकार, अभिनव कृष्ण और अंकित का नमस्कार। तो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आ चुके हैं हम लोग, क्योंकि आज हम बात करेंगे साक्षात पिटबुल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पिटबुल के ऊपर काफ़ी एपिसोड बनाए हैं, पर पिटबुल हमारे वीडियो में नहीं आया है। तो ये आ गया है पिटबुल, जिसका नाम है रॉजर। ठीक है, तो इनके ओनर से हम आज बात करने वाले हैं कि रॉजर को कैसे ट्रीट करते हैं, रॉजर को क्या खिलाते हैं, क्या एक्सरसाइज कराते हैं रॉजर को, और जो पिटबुल का एक नैरेटिव बना हुआ है कि इतना एग्रेसिव होता है, पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए, उसको आज हम तोड़ेंगे और इनसे पूछेंगे कि कितना शांत है इनका पिटबुल, क्या कभी एग्रेसिव था, नहीं था, और कैसे अंकित और अभिनव ने ट्रेनिंग किया है इस पिटबुल को ताकि ये इतना शांति से बैठा हुआ है। अगर हम लोगों का नज़रिया जाने, अगर जो नॉर्मल लोग रोड पे बात करते हैं, तो अब तक ये पिटबुल हम लोगों को खा चुका होता, बट ये देखिए कितना शांत बैठा हुआ है ये। तो सबसे पहले हम भैया से बात करते हैं। भैया, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमन है। अमन जी, तो भैया आप करते क्या है बाय प्रोफेशन? बाय प्रोफेशन मैं बिजनेसमैन हूँ और आर्टिस्ट हूँ। हाँ, मैं रैप करता हूँ। रैप करते हैं? ओके, वाओ भैया रैप करते हैं। इनके वीडियोस का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर आपको मन किया तो आप ज़रूर जाइए और भैया को एंकरेज कीजिए। मन नहीं किया जरूर जाइएगा, क्योंकि हाँ, काफ़ी अच्छे वीडियोस बनते हैं। बिल्कुल, एक बार तो ज़रूर आप देखिएगा और देख के आप काफ़ी अच्छा लगेगा। एग्जैक्टली। तो भैया सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि आपके दिमाग में कैसे ये ख्याल आया कि आपको पिटबुल पालना चाहिए? मेरे को शुरू से ही, जब मैंने पहली बार इसके दादाजी को देखा था। अच्छा, दादाजी भी है इसके? इसके दादाजी भी हैं, इसके अच्छा, पापा मम्मी भी हैं। अच्छा, वो सारे हमारे पास। हाँ, वो रिहाब में। रिहाब में कहाँ पे? देहरादून। देहरादून में, कर्मा में। तो वो हमारे रिहाब में ही पल रहे हैं। अच्छा, दादाजी साउथ दिल्ली में है, मैरोली में। और दादी का पता नहीं है, लेकिन मम्मी पापा मेरे पास ही हैं और भाई बहन भी। अच्छा, तो एज अ घर के अंदर ये आपका फर्स्ट डॉग है कि इससे पहले भी आपको डॉग? नहीं, ये फर्स्ट डॉग है। तो इसको आप लेके आने के पीछे क्या रीज़न था? इसको लेके आने के पीछे यही रीज़न था कि मेरे को जब दादाजी को देखा था तो मेरे को चाहिए था ये। अच्छा। हाँ, इसके दादाजी भी बहुत काम थे, कभी काटना वाटना तो बहुत दूर है, वो तो घास ही नहीं डालते थे किसी को। घास ही नहीं डालते? ना ना। अच्छा, अब जैसे कि आप अभी ये कितने, इसकी एज है? इसकी 8-9 होंगी, नवंबर बॉर्न है ये। तो जैसे कि यार अभिनव, हमने पिछले पॉडकास्ट में भी जो बात किया था कि यार न्यूज़ चैनल्स में हमने देखा कि इतने एग्रेसिव पिटबुल को दिखाया जाता है न्यूज़ चैनल्स में, खूंखार कुत्ता, जानलेवा कुत्ता, ये कुत्ता वो कुत्ता। तो भैया से मैं जानना चाहूँगा कि क्या एक्सपीरियंस रहा आपका 8-9 मंथ्स में? रियलिटी में वो ट्रेनिंग के बाद ऊपर बात होती है। अच्छा। आप पैसा खर्च करो, कोई कुत्ता नहीं काटेगा। सही बात है। तो मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि फॉल डॉग्स में नहीं होता, इंसानों में होता? हाँ, हम कैसे बना रहे हैं इसको? हम कैसे बना रहे हैं? अब मैंने इसको अभी तक बहुत इको फ्रेंडली बनाया है, ये काटना वाटना तो बहुत दूर की बात है, ये सिर्फ सूंघता है, दैट्स इट। अच्छा, हमारे साथ गया था तो एक देसी कुत्ता इसे काट के चले गया था। और अभी भी इसकी वैक्सीनेशन चल रही है। हाँ, रेबीज की। रेबीज की, ताकि ही शुड बी फाइन। डॉग्स को भी रेबीज का इंजेक्शन लगाना पड़ता है टेंपरेरी। तो भैया जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि अंकित और अभिनव आपके साथ हैं, इसको ट्रेन कर रहे हैं, तो ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी इसको ट्रेन कराने की कि आपने अभिनव से बात किया? ट्रेन इसलिए करवाया क्योंकि ये बहुत हाइपर एक्टिव है, ये ब्रीड ही बहुत हाइपर एक्टिव है, इनको वर्कआउट चाहिए। वर्कआउट का टाइम मेरे पास है नहीं कि मैं इसको वर्कआउट कराऊं रोज। हाइपर एक्टिव दोस्तों, इसका मतलब होता है, जो थोड़े नहीं समझ पाए कि क्या होता है, तो बहुत चुलबुले होते हैं, बहुत उछलता कूदता है भाई, जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग की तरह। हाँ, बहुत उछल, इधर से उधर, उधर से उधर भागते रहते, तो उनको थोड़ा कंट्रोल करने, थोड़ा काम बनाने के लिए इनको ट्रेन किया जाता है। तो अभी आपने बोला कि अभी इससे पहले मेरी भैया से बात हो रही थी, तो भैया ने बोला कि रॉजर जो है इनका घर का बहुत सारा सामान काट चुका है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ यार, 1.5 लाख रुपए फाड़ दिए इसने। 1.5 लाख रुपए फाड़ दिए? हाँ यार, 1.5 लाख मतलब प्रॉपर नोट फाड़ दिए? नोट फाड़ दिए। क्या बात, 50-50 हज़ार की 3 गड्डियाँ। 50-50 हज़ार के 3 गड्डियाँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकम टैक्स वाले वीडियो नहीं देख रहे। तो
ये 1.5 लाख रुपए इनके फाड़ दिए, उसके बाद क्या आपका रिएक्शन था? नॉर्मल कोई व्यक्ति होता तो वो तो निकाल देता इसको। नहीं यार, अब कुत्ता है, क्या कर सकते हैं, अब इसको इतनी समझ नहीं है ना कि वो पैसे हैं क्या है। सही बात है, नहीं वो तो बात सही है, बट आपको दुख तो बहुत हुआ होगा। ये पैसे फाड़ के एक्चुअली उसका जो गत्ता था उसके साथ खेल रहा था, उसका पॉली बैग के साथ। फिर तो आपको ये लगा होगा कि ये एक रूम में या तो मेरे पैसे रहेंगे या तो ये रहेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ पिटाई हुई इसकी। पिटाई हुई, अच्छी पिटाई हुई। अच्छा। चार जगह पे घर के अंदर चार जगह पे पिटा गया ये। अच्छा। और फिर उसके बाद पूरी रात ही आराम से सोया। उसके बाद उसने कभी ऐसा नहीं किया? उसके बाद आप जितने मर्जी पैसे रख दो, ये पैसे को टच भी कर देगा। मेरा मुंह माया खत्म हो गया। नहीं ये अब आप अगर इसके आगे 500 का नोट भी रखोगे, ये उसको देखे तक का नहीं, टच भी नहीं करेगा। ये फिर बचपन में हुआ था यार, उस टाइम ये कितना 2 महीने का था, 2 महीने का था, 2-3 महीने का था, और वो भी क्यूरियोसिटी में फाड़े इसने कि पहले, हाँ पहले तो पॉली बैग नीचे गिराया, फिर सारी गड्डियों पे नाखून मारे। अच्छा। हाँ फिर एक गड्डी लेके मुंह में दांतों में गड़ा ली, और फिर पैसे का स्वाद। तो अच्छा, अभिनव के साथ आपकी कैसे बातचीत शुरू हुई? मेरे एक जानने वाले हैं सन्नी जी, वो उन्होंने मेरे को रेफरेंस दिया कि अगर इफ़ यू रियली वांट टू ट्रेन योर डॉग कांटेक्ट हिम। तो आपने इनसे फिर बात की? मैंने उसी टाइम कॉल किया। तो फिर इससे पहले भी आपने किसी को ट्राई किया? नहीं मैंने किसी को। अच्छा मतलब अभिनव, अभिनव के साथ ही आपकी पहली बात? हाँ, पहले ही हीरा मिल गया। तो अभिनव से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी? अभी वो थोड़ा कह रहा है भाई मेरे से भी कोई कर लो बात, मैं कह रहा हूँ अभिनव के साथ आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी जब आपने अभिनव? मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बस मेरे को ये था कि आपको क्या चीज इसमें करना था, ठीक हाइपर एक्टिव ठीक करवाना था, और वो तो गद्दे भी फाड़े हैं, मैं जहाँ सोता हूँ वो सारे गद्दे फाड़ दिए इसने, चादरें फाड़ दी, घर में चादरें नहीं बची थी बिछाने के लिए, सारी फाड़ चुका था ये। तो वही चीज है। तो अंकित, फिर आपने अंकित और अभिनव ने कैसे ठीक किया? फिर मैं आया भैया को, मैंने समझाया कि कैसे एक डॉग को हाइपर एक्टिविज्म से कम करा जा सकता है, वर्कआउट्स दिए जाते हैं। वेल अंकित ओवर हियर, ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है इसे यार। इवन भैया को मैंने रेकमेंड किया कि यू शुड गेट अ डॉग वॉक, तो हम लोग डॉग वॉकिंग भी कराते हैं इसको। तो सुबह 5 AM 4 AM अंकित आता है इसको लेके, यहाँ से 5 किलोमीटर्स की रनिंग करता है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ कि अभिनव तो आते ही है, अभिनव तो ट्रेन करते ही है, पर अभिनव से ज्यादा टाइम अंकित इसके साथ लगाता है। Exactly. This is Ankit's baby over here. And अंकित को थोड़ा पानी पिला ला जाए। हाँ जरा। इसको पानी पिला के लाते हैं पहले। ये हमारा स्टार डॉग है, तो वी कांट हेल्प इट आउट। अच्छा। ये अभी जा नहीं रहा। जाओ, चलो। रोजे काम। स्टार है तो पूरे नखरे होंगे। तो अभी हमारा जैसे कि आपने देखा स्टार डॉग सारे खड़े हो जाते हैं ना, कोई बड़ा स्टार आता है, अमिताभ बच्चन शाहरुख खान जब आते हैं तो सब लोग खड़े हो जाते हैं इज्जत के लिए। तो जैसे ही वो जा रहे थे हमारे रॉजर साहब, तो सब हम लोग खड़े हो गए। तो बेसिकली अंकित को मैंने बोला कि सुबह, भैया को मैंने बोला कि सुबह इसको वर्कआउट्स चाहिए, सुबह रनिंग चाहिए इसको, हर्डल्स चाहिए, एक्टिविटीज चाहिए जिसके थ्रू स्टिमुलेशंस किया जाता है इसको, स्टे एंड ऑल। हमने ट्रेनिंग में कभी भी इसको मारा नहीं, डांटा नहीं। अच्छा। क्योंकि ये ब्रीड्स जो होते हैं ये थोड़े इमोशनल ब्रीड्स होते हैं। अच्छा। अगर इनको मारोगे या डांटोगे तो इनके ना माइंडसेट में वो चीज रह जाती है। अच्छा। एंड दे ट्राई टू रिवोल्ट नो मैटर व्हाट। अच्छा। अगर वो रिवोल्ट करते हैं तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े डेडली हो जाते हैं। इस चीज का भैया को भी पता है कि हाउ अ पिटबुल रिएक्ट्स, एंड ही न्यू दैट कि कहीं घर पे कोई तबाही ना हो, कुछ ना हो। सो ही वांटेड कि हम लोग आए आके इसको समझाएं, ट्रेन करें। तो डेली सुबह का इसका जो रूटीन है, 5 AM ये उठता है, उठ के जाता है रनिंग के लिए। अच्छा। अंकित के साथ, अंकित टेक इट फॉर रनिंग्स। अंकित खुद भी कई बार भैया मिले हैं यहाँ से सेक्टर 15 डी ब्लॉक से लेके हैदरपुर जेल रोड तक, वहाँ तक तो मिल जाता है अंकित सुबह सुबह। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हम लोग शाम को आते हैं, फिर मैं अंकित को समझाता हूँ कि इस तरह गाइड कर, क्योंकि इस डॉग के साथ एक इमोशनल बिल्ड करना जरूरी है। हाँ। तो वो इमोशनल बिल्ड मेरे साथ भी है इसका, अंकित के साथ भी है। वी प्ले एज अ गुड कॉप एंड बैड कॉप। अच्छा। सो आई एम हियर द बैड कॉप एंड ही इज द गुड कॉप। दैट्स हाउ द रिदम गोज बाय। कि डिसिप्लिन करना है तो मैं हूँ, फाइट करना है तो मैं हूँ,
प्यार करना है तो अंकित है, अंकित है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, अ गुड कॉप एंड अ बैड कॉप। इनका इमोशंस जो होता है जिससे आप प्यार करते हो, जरूरी नहीं कि आप उससे ही डिसिप्लिन हो, आपको साथ में एक जाना चाहिए, क्योंकि भैया का जो लाइफस्टाइल है ही वर्क्स रियली हार्ड। और जैसे कि हमको एक माँ बाप चाहिए, माँ हमें प्यार करती है, बाप हमें डांटता है इस टाइप। एग्जैक्टली, लेकिन मेरी माँ ने तो मुझे भी पीटा बहुत, ऐसी बात नहीं है, बहुत पीटा है मुझे तो दोनों साइड से बहुत पिटा हूँ मैं। तो इधर क्या है कि भैया का लाइफस्टाइल थोड़ा सा रगेड है, बट ये इतने सेंसिबल हैं कि इन्होंने हमें बोला कि यार आई डोंट गिव टाइम फॉर हिम, सो आई नीड हिज वॉक्स, आई नीड हिज एक्सरसाइजेस, एवरीथिंग, एंड दैट शुड बी डन डेली बेसिस। तो एक ओनर जब इस बारे में सोचता है तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अगर लोग डॉग लेके आते हैं, फेंक देते हैं, पालना नहीं जानते, इनका वो सेंस नहीं है। अच्छा, दिस डॉग इज कम्प्लीटली ऑन अ मोस्टली ऑन अ वेजिटेरियन डाइट। और डाइट, डाइट के बारे में भैया आप बताइए, डाइट क्या होती है इसकी? इसका नॉर्मल बॉइल्ड वेजीज हो गई। अच्छा, मतलब वंस इन अ ब्लू मून रॉल्स के चिकन हो गया। हाँ, और अंडे हो गए, अंडे वगैरह, रोटी। अच्छा, इसका दूध बंद कर दिया है। दूध बंद कर दिया? अच्छा, क्यों? आपको किसने कुछ कहा इसके लिए? वो हाँ, अभिनव ने, इसके अभिनव ने बोला। अभिनव क्यों भाई दूध? यार कई बार ना डॉग्स लैक्टोज इंटॉलरेंट भी होते हैं। अच्छा, तो व्हेन आई मेट हिम, भैया इसको एक्सरसाइज कराते थे, तब भी भैया ने एक हेल्प रखा हुआ था कि इसको वॉक्स पे लेके जाए, ओपन लीश लेके जाए। कई बार ये घर से भाग जाता था। अच्छा, कई बार ये भाग के जाता तो मोहल्ले कुत्ते इसको छोड़ के जाते थे। अच्छा, और साथ के साथ कई बार ऐसा ही हुआ है कि रोड पे चल रहा है, लोग देख रहे हैं, लोग डर रहे हैं, ये पुल कर रहा था। अच्छा, भैया को, अंकल को, इवन गौतम को, तो ये खींचते हुए घसीटते हुए लेके जाता था। सो फर्स्ट डे ऑफ द ट्रेनिंग आई टोक हिम आउट, मैंने इसको अपने साथ बांध दिया। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, नाउ यू पुल मी। सो दैट्स हाउ द यू नो मोशन गोज। अंकित वॉज होल्डिंग वन लीश, अंकित को यह घसीटते हुए लेके जा रहा था, खींच रहा था, अंकित वॉज ट्राइंग कि हाँ पुल हो जाए। मैंने कहा लीव इट, लेट इट गेट अटैच टू मी। फिर मैंने बांधा उसको, मैंने कहा लेट इट पुल। फिर हमने इसकी ट्रेनिंग में एक बहुत अलग चीज़ ट्राई की है, जो कि हम अक्सर बड़े ब्रीड्स के साथ करते हैं। अच्छा, जैसे रॉटवाइलर्स हो गए, सेंट बर्नार्ड्स हो गए। सो वी यूज द प्रॉन्ग कॉलर दिस टाइम। अच्छा, अब प्रॉन्ग कॉलर से बेनिफिट ये होता है कि ये प्रॉन्ग कॉलर, प्रॉन्ग और प्रॉन्ग कॉलर का जो बेनिफिट है वो बेसिकली बड़ी ब्रीड्स के होते हैं, थिक नेक होता है। अच्छा, क्योंकि सेमी चोक से गला चोक हो जाता है, कुत्ते का मरने का चांसेस होते हैं चोक कॉलर से। तो हम नहीं चाहते कि इसके साथ कोई ऐसी चीज हो कि इसकी लिडिंग्स खराब हो। प्रॉन्ग कॉलर इज समथिंग जिससे आप अगर वाटर बैलून कोई बांधे तो ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और लोग बहुत कम यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अवेयरनेस कम है, अवेयरनेस कम है, क्योंकि कोई ट्रेनर बताता ही नहीं है। सो प्रॉन्ग कॉलर, यहाँ पे ट्रेनर्स आते हैं जो 3-4 हज़ार में ट्रेन करते हैं डॉग को, वो क्या करते हैं, एक चोक चेन लेते हैं, गले में डालते हैं, खींच के रखते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ट्रेन कर चले जाते हैं। सो दैट इज द अवेयरनेस पीपल हैव। मार्केट में और भी अच्छे ट्रेनर्स हैं, जैसे अदनान खान हो गया, बंटी चौहान हो गया, देयर लॉट ऑफ ट्रेनर्स हु यूज ई कॉलर्स, शॉक कॉलर्स। रॉजर आएगा क्या अभी? तो दो मिनट। तो शॉक कॉलर्स ऑल्सो, दे यूज मेथड्स दैट आर प्रोफेशनल। सो सेम वे इतने बड़े ब्रीड को हैंडल करने के लिए आई यूज प्रॉन्ग कॉलर। तो हर एक का मेथड अलग होता है। और सबसे मजेदार चीज़ है कि इनको जो चीज़ें बोली जाती हैं उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। मतलब एक जब भी आप ट्रेनर हायर जब करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ओनर के लिए कि देखो ट्रेनर तो डॉग को सिखा के 2 महीने में निकल जाएगा भाई, चला जाएगा, उसके बाद हैंडल किसको करना है? ओनर को ही करना है। तो ओनर का सीखना बहुत जरूरी है ना? राइट, बिल्कुल। अभी भैया बताएंगे जैसे कि इनके जो डोमेस्टिक हेल्प हैं जो खाना वाना बनाते हैं उनके साथ इसका रिलेशन काफ़ी ऐसा था कि उन्हें ना पोछा मारने देता था। अच्छा, ना झाड़ू मारने देता था। अच्छा, तो हाँ भैया आप कुछ बताया भैया उनके मतलब लाइक वो झाड़ू लगा रहे होते थे तो उनके ऊपर जंप करता था। अच्छा, जो भी खेलने के लिए, मतलब खेलने के लिए एग्रेसिव है, मैंने एग्रेसिव तो है ही नहीं तो उनको तंग कर देता। अच्छा, आपको जैसे आपने बोला कि आपको चाहिए था तो पिटबुल ही चाहिए था, तो ऐसा क्यों? मतलब पिटबुल में ऐसा क्या खास लगा कि जो दूसरे ब्रीड्स में आपको नहीं लगा? इसका ना फेस बहुत ब्रॉड है। अच्छा, और जो मैंने मेरी इमेज बनी हुई थी ये तो मैंने बाद में सुना है कि इसको काट दिया, उसको बांट दिया, लेकिन जब मैं इसके दादा से मिला था ही वॉज वेरी काम।
अच्छा, तो आपका वो फर्स्ट इम्प्रेशन जो था पिटबुल्स को लेके, वो कि बहुत शांत कुत्ते होते हैं। बहुत शांत होते हैं, मतलब दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, मैंने उसको ऐसा देखा है। अच्छा, फिर वहाँ पर इसके दादा ने कुछ नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि जो उसका ओनर है हर्ष, हर्ष ने जब तक अपने हाथ से नहीं डाल के दिया ना, तब तक उसने कुछ खाया ही नहीं। खाया ही नहीं, मतलब बहुत इंटेलिजेंट ब्रीड भी होता है। रॉजर को पहले कई बार इसको इधर उधर मारने की छोटी मोटी आदत थी। हाँ। लेकिन एक दो बार करेक्ट करने के बाद ही स्टॉप्ड। ऑब्वियसली बात है, देखो कोई अगर छोटा बच्चा भी होता है, इंसान का भी बच्चा होता है, उसको भी तो सिखाना ही पड़ता है ना कि भैया अपब्रिंगिंग, चॉकलेट मत खाओ, यहाँ से बिस्किट मत उठाओ, यहाँ से मत करो। बच्चा है, बच्चा तो सीखेगा ही, चाहे डॉग का हो इंसान का हो, उसको तो सिखाना पड़ता है। ये ट्रेन बेसिकली मेरे को जो लगता है, ट्रेनिंग इज लाइक जैसे हमारा स्कूलिंग होता है। इंडीड, है ना? इंडीड, तो दैट इज ट्रेनिंग एक्चुअली, वो इंपॉर्टेंट है ही। मतलब एक बच्चे को तो आप स्कूल तो भेजोगे ही भेजोगे ना, कुछ भी हो जाए। बेसिक ओबीडियंस रिक्वायर्ड होती है बड़े बीट्स के साथ। ही अंडरस्टूड दैट। इन्होंने अपने फ्रेंड को कॉल किया कि आई नीड अ ट्रेनर। इनके फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन हु नीड्स अ ट्रेनर। आई गॉट अ कॉल, we got connected, मैं आया, भैया बैठे हुए थे, we had couple of Red Bulls, then we had a chat, and फिर रॉजर आपने Red Bull पी के पिटबुल को ट्रेन किया। तो देखा, हमें अभिनव का जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो पता चल चुका है। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर कि हमें अभिनव का सीक्रेट इंग्रेडिएंट पता चल गया, ये Red Bull पी के पिटबुल ट्रेन करता है। कह सकते हैं। सो अब इसके अंदर अंकित का सिनेरियो बताता हूँ मैं। हाँ। अंकित को मैंने जब इंडल्ज किया, इसका एक जॉनर है जो पिटबुल्स के साथ बहुत अच्छा है। अच्छा। तो इसके पास खुद ही पिटबुल है केली। अच्छा। तो मैंने कहा यार सुबह तो वॉक कर, इसके रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। हाँ। तो डॉग वॉकिंग से स्टार्ट की, रनिंग कर स्टार्ट किया। हाँ। फिर धीरे 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 इसके साथ हैंडलिंग मैंने करवाई, मैंने कहा कि ये चीज़ कर। अब अभी इसका एक महीना हुआ है, एक महीने के अंदर चेंजेस काफ़ी हैं। वो भैया बताएंगे क्या क्या चेंजेस हैं। बताइए भैया, क्या मतलब पहले कैसा था और अब कैसा? पहले पहले मतलब बहुत ज़्यादा उछलता कूदता और फाड़ता फूटता, उछलता कूदता फाड़ता। खैर अभी भी हल्का फुल्का है, लेकिन अभी इतना नहीं है, इतना नहीं है जैसे पहले। मतलब गद्दे ही फाड़ दिए, तकिए फाड़ दिए। अब एटलीस्ट काम डाउन होकर सोया रहता है, क्योंकि थका होता पूरे दिन का। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अभिनव के ट्रेनिंग मेथड्स जो है उससे आप कितना खुश हैं? मैं 8 out of 10। 8 और 2 नंबर आपने कहाँ काटे वो अभिनव को इम्प्रूव करना है? वो काटे हैं, कहाँ काटे हैं, मतलब यार देखो अभी 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 लिसन, अभी पूरा हुआ नहीं है, अभी पूरा हुआ नहीं है। वो 2 नंबर उसी के बचे हैं, जब हो जाएगा तो 2 नंबर के अकाउंट में पड़े हुए 2 नंबर वो मिल जाएगा। अभी कल की बात बताता हूँ, जो दीदी है इनकी सिस्टर है। हाँ, मेरी सिस्टर ने घर आना छोड़ दिया इसके चक्कर में। अच्छा, इसके चक्कर में। हाँ, लेकिन अच्छा, उनको पसंद नहीं है डॉग्स या पिटबुल, उनको पसंद नहीं है, उसको डर लगता है। लेकिन कल रॉजर का एक हमने हिस्सा देखा, कल उसने काफी इज्जत बचाई हमारी। हाँ। क्या हुआ, क्या हुआ एक इंसिडेंट हमारे ऑडियंस को भी सुनाओ, क्या हुआ भाई? कल दीदी के ससुराल में सारे बैठे हुए थे। अच्छा। एवरीबॉडी वाज देयर इन लॉज एंड ऑल। तो इनके ब्रदर इन लॉ बैठे हुए थे, मदर इन लॉ बैठी हुई थी, फादर इन लॉ बैठे, सब बैठे हुए थे, इवन की सिस्टर बैठी हुई थी। तो रॉजर केम इन दिस सिनेरियो, ही कॉल्ड मी लाइक दे गेट स्केयर्ड, यू कम अप, यू टॉक टू देम। फिर उनको हमने वीडियोज दिखाई ऑनलाइन कि दिस इज रॉजर, इसके शॉर्ट्स में भी वीडियो है कि ही इज वॉकिंग थ्रू द मार्केट यू सी। देन एक दो और वीडियोस दिखाई, फिर ही वाज सिटिंग काम एंड क्वाइट, ही वाज लाइक क्यों मुझे बदनाम कर क्यों रहे हो तुम लोग? फिर उन लोगों का क्या रिएक्शन था? दे वर लाइक ठीक है, वी विल स्टार्ट कमिंग नाउ। अच्छा, या देन आई थिंक सो। तो वो चीज है। गुड गुड, बहुत बढ़िया। यस, अभिनव और आपका मेहनत का है सब कुछ। अभिनव, अंकित स्पेशली, अंकित, हाँ, ये सबका एक जॉइंट एफर्ट है, जॉइंट एफर्ट है। इसमें अंकित का योगदान बहुत ज्यादा है, अंकित का योगदान। अंकित, अभिनव, गौतम, लास्ट में मी। व्हाई व्हाई लास्ट यू? आप ना होते तो ये आता कहां से? अरे नहीं मतलब ना, आप तो डैडी हो, आप तो पिताजी हो। पिताजी ठीक है, लेकिन जितना ये इनकी संगति में रहता है उतना मेरी संगति में मतलब नहीं रहता। हाँ, अंकित के साथ वो ज्यादा रहता है, फिर अभिनव है,
फिर गौतम है क्योंकि इनकी एब्सेंस में गौतम लेके जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, गौतम भी बहुत मेहनत करता है, गौतम खुला घुमाता है, ऑफ लीश वॉक कराता है। अच्छा अच्छा, ही डज वेरी गुड जॉब। अच्छा, तो अभी हम वीडियो के थोड़े एंड पे आ चुके हैं, तो हमारे ऑडियंस को जो लोग पिटबुल से डरते हैं या फिर जो लोग पिटबुल्स को बदनाम करते हैं उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? जेब में पैसे रखो, कोई पिटबुल जेब में पैसे रखो, कोई पिटबुल डेंजरस नहीं है। नाइस वन, ग्रेट, नाइस रिप्लाई। हाँ, और इतनी हिम्मत रखो कि कोई अगर 1.5 लाख रुपए फाड़ भी दे आपका पिटबुल तो फिर भी आपको आप उसके साथ रह पाओ। 1.5 लाख कि वो नहीं, नहीं नहीं, बहुत बड़े, मतलब मैं तो इनकी बहुत तारीफ करना चाहूँगा कि देखो मैं तो बहुत, मैं हर रोज ही लगभग ऐसे ओनर से डील करता हूँ जो कि अपने डॉग्स को छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि जस्ट उनके डॉग के बॉडी में कीड़े पड़ जाते हैं या कुछ भी छोटा मोटा कोई भी दिक्कत हो जाता है, कोई भी छोटा मोटा दिक्कत होता है तो वो अपने डॉग को छोड़ देते हैं। मर जाएगा अगर छोड़ दिया ना। हाँ वही तो, इनके 1.5 लाख रुपये फट गए फिर भी इन्होंने अपने बच्चे की तरह पाला, जो कि यार सही है कि लोगों में इतना आजकल पेशेंस नहीं होता है। तो बहुत ही बढ़िया, मैं चाहूँगा कि ऐसे ही आप हमेशा अपने पिटबुल का ख्याल रखिए, खाली इसका नहीं, मैं तो चाहूँगा और डॉग्स लाएँ आप और सबका दूसरा देखिए। एक ठीक है, एक ठीक है। अच्छा बाय द वे गाइस, इनकी एल्बम जो है, जो म्यूजिक वीडियो है, उसी क्लिपिंग्स आपको वीडियो में दिखे होंगे और साथ में यही कुछ हम अपने एल्बम के बारे में कुछ बताइए। एल्बम नहीं है, जस्ट अ सॉन्ग, चिल वाली पिल करके एक गाना। चिल वाली पिल कहाँ पे मिलती है? वो पिल वो यूट्यूब पे, दिल्ली नाउ के चैनल। अच्छा, फिर से आप नाम बता दीजिए अपने चैनल का। दिल्ली नाउ, दिल्ली नाउ, दिल्ली नाउ, दिल्ली नाउ। अच्छा, तो द अल्टीमेट चैनल के डिस्क्रिप्शन में भैया का यूट्यूब चैनल का लिंक है, ज़रूर जाइए और ज़रूर इनका सॉन्ग दीजिए, देखिए, लाइक कीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन्जॉय कीजिए यार, वो चिल वाला पिल भी मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभिनव, so the end करें, the end करते हैं। This is Dog Daddy signing out with Roger, Dada, Aman Bhaiya and Ankit. So bye bye, bye bye, bye.